एवरीवन, सो आज के इस वीडियो में देखेंगे सिक्स का मैथमेटिक्स प्रॉब्लम सेट 12। तो देखिए आपको क्वेश्चन क्या गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन मल्टीप्लाई, सो मल्टीप्लाई 7/5 इंटू 1/4। अब इससे एक बेसिक रूल है, क्या रूल देखते हैं हम लोग। सपोज कभी आपको गिवन है कि a अपॉन बी इंटू एम अपॉन एन, इसका मतलब क्या है। अगर आपको दो वैल्यू गिवन है, दो फ्रैक्शन गिवन है, बीच में मल्टीप्लाई, तो आपको सिंपल क्या करना है, ए इंटू एम अपॉन में बी इंटू एन, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको नीचे वाले, मतलब नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई, ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई करना है, वो भी सामने सामने। आपको ए को एम से मल्टीप्लाई करना है और बी को एन से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, सामने सामने। अब याद देखिए तो आपको आंसर क्या मिले, देखिए 7/7 और ऊपर को ऊपर वाले से करना है और नीचे को नीचे वाले से, सो 5/4 = 20, बस ये आपका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपको गिवन है 6/7 इंटू 2/5। अब देखिए सिंपल है, मैंने आपको बोला अगर बीच में क्या रहेगा मल्टीप्लाई, तो आपको ऊपर को ऊपर वाले से और नीचे को नीचे से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 6/12, 7/5 = 35, जो नंबर ऊपर है उसको ऊपर से मल्टीप्लाई, जो नीचे है उसको नीचे से मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ देखिए 5/4 ऊपर है, तो 5/4 = 20 और 9/9 = 81। अब यहाँ देखिए, अभी आप सोचेंगे कि यहाँ तो नीचे का नंबर सेम है, बट अगर ये होगा 5 + 4/9 + 9, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, 5 + 4/9 कर सकते हैं, मतलब 9 एक बार। बट ये रूल एप्लीकेबल कब है, जब बीच में क्या रहेगा प्लस, तो अभी जो नंबर नीचे नंबर सेम होता है उसको आप एक बार लिख सकते हैं, बट अभी क्या है बीच में मल्टीप्लाई, तो आप ये रूल अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर कभी भी अगर बीच में प्लस होगा तो ही आप नीचे के नंबर सेम को उसको एक बार लिख सकते हैं, बट यहाँ पर क्या है बीच में मल्टीप्लाई, तो आपको ओनली मल्टीप्लाई करना चाहिए नंबर कोई भी रहे। तो देखिए 5/4 = 20, 9/9 = 81। अब यहाँ देखते 4/2 = 8, 11/7 = 77। अब नेक्स्ट 7/1 = 7, 5/2 = 10। तो देखिए बस आपका आंसर आ गया। आप जैसे प्रैक्टिस कितना इजी है, बस आपको टेबल आएगा तो बस वो सिंपल है आपके लिए। नंबर 6 देखिए 9/7 × 7/8। अभी आपको मैंने बताया कि कभी दो नंबर एक ऊपर एक नीचे, राइट आंसर था समझो, आपको मैं लिखा यहाँ पर ये उन्हीं एग्जाम्पल देखिए, इधर समझो लिखा मैं 5/2 × 2/8। तो देखिए एक नंबर ऊपर एक नीचे, तो देखिए आई देखा कैंसिल होगी, आएगी कैंसिल, तो बचेगा क्या ओनली 5 बचेगा और नीचे ओनली 8 बचेगा, ठीक है। तो अगर कभी भी एक नंबर ऊपर एक नंबर नीचे कैंसिल हो रहा, सेम नंबर है, सो डायरेक्ट आपको कैंसिल करना है, सो आपको डायरेक्ट क्या करना है कैंसिल करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या बने 9 का, तो आप देखो 7 एक नीचे एक ऊपर है, अब ऐसा ऐसा ऊपर ऐसा 7/7 ऐसा है तो भी कैंसिल होगा, या फिर आपको ऐसा 1/7 × 7, तो ये भी कैंसिल, क्यों एक ऊपर एक नीचे, इसका मतलब ऊपर नीचे हो रहा, ये भी ऊपर नीचे, तो ये दोनों भी चीज़ क्या है सेम है, ऐसा हो तो भी कैंसिल, ऐसा रहेंगे तो भी कैंसिल होना है, तो 7/7, 7/7, ठीक है। तो ऊपर 9 बचा तो 9 लिखेंगे, नीचे 8 बचा तो नीचे 8 लिखेंगे, तो बस ये आपका आंसर आ गया। देखिए एक ऊपर एक नीचे नंबर सेम है, डायरेक्ट कैंसिल करना है, ऊपर 9 नीचे 8 हो गया, देखो ना इसको ऐसा भी कर सकते हैं आप लोग, इन पर 9 बचे तो 9 लिखूंगा मैं, इंटू ये 1 बचे तो 1 लिखूंगा मैं, फिर 1 बचे इधर भी तो 1 लिखो, इंटू तो इंटू ये 8 बचे तो 8 लिखो, ठीक है। अब ऐसे 1/1 भी कैंसिल कर दो, या फिर आप लोग 9/1 = 9, 8/1 = 8, या डायरेक्टली 1/1 में आप कैंसिल कर दो, आपकी मर्जी, ठीक है। तो आपका आंसर ये आ गया, बट मैं आपको बोलूँ अब ये मत करो, ये लंबी लग रही है, आपको सिंपल क्या करना पड़ेगी, आप ऐसा कर सकते हैं बट आपको ये नहीं करना है बिल्कुल भी, आपको ओनली 9 बचा तो 9 लिखना है, 8 बचा तो आपको 8 लिखना है, ओके। अब आगे देखते हैं,
अब देखिए यहाँ पर सिक्स कैंसिल हो रहा, सिक्स सिक्स कैंसिल हुआ, फाइव फाइव कैंसिल हुआ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ऊपर वन इधर भी वन, तो वन इंटू वन आया, वन इंटू वन इधर भी आ गया, तो यहाँ पर वन आया, क्यों, वन वन ज़ा वन, वन वन ज़ा वन। अब आपको नीचे वन मिला, मैंने आपको बोला कभी भी आपको नीचे वन बिल्कुल भी लिखना नहीं है, तो फाइनल आंसर क्या, आपको वन ही वन मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ कोई नंबर सेम दिख रहा, सेम तो कुछ भी नहीं है, बट एक पॉसिबिलिटी है, क्या पॉसिबिलिटी है, कि यहाँ नीचे टू है, ऊपर सिक्स है, तो टू वन ज़ा टू, टू टू ज़ा फोर, टू थ्री ज़ा सिक्स, तो टू वन ज़ा टू, थ्री ज़ा सिक्स, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको ऊपर थ्री बचाए, नीचे सेवनटीन बचाए, इंटू ऊपर थ्री बचाए, नीचे वन बचाए, तो थ्री थ्री ज़ा नाइन, सेवनटीन वन ज़ा सेवनटीन, तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। यहाँ देखिए, सपोज करो अगर आपको ये कैंसिल नहीं करते तो आपको आंसर क्या था, देखिए इसको मैं साइड में करता हूँ, नाइन अपॉन में सेवन है, इंटू में सेवन अपॉन में एट है, आप क्या करें, इसको कैंसिल नहीं करते तो क्या होता, देखिए नाइन सेवन था सिक्सटी थ्री, सेवन एट था फिफ्टी सिक्स, ये आपको मिलता, बट आपको पेशेंस तो ये नहीं है, ठीक है। तो आपको मान आपको आता सेवन डेबल, तो सेवन नाइन था सिक्सटी थ्री और सेवन एट था फिफ्टी सिक्स, तो भी देखिए आपको नाइन अपॉन एटी मिलता है, तो जब आपको इतना कैंसिल करना, आप ये काम ही क्यों कर रहे हो, आप यानी यहाँ पर कैंसिल कर दो ना, आप पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये दो बड़े नंबर मिलेंगे, फिर इसमें आपको कन्फ्यूज भी होगा कि कौन सा ट्वेल्व में जाएगा, तो इस चीज़ से आप क्या कराएगी, इसको कैंसिल कर दो, देखिए आप मल्टीप्लाई करेंगे आप सामने सामने, तो भी आपको आंसर ये आने वाला है, और इसके भी आपको डायरेक्ट आंसर ही मिलता है, आपके ईजी कौन सा आपके लिए ईजी वाला ये है, तो आप ये प्रेफर करो। तो क्वेश्चन नंबर टू देखिए, ये क्या आप एक वर्ड, ये इसको मैं क्या इसको वर्ड प्रॉब्लम, क्या इसको वर्ड प्रॉब्लम, ये आपके क्वेश्चन नंबर टू क्या वर्ड प्रॉब्लम है। तो देखिए क्या गिवन है, अशोक राव प्लांटेड बनानास ऑन 22/7 ऑफ हिज फील्ड ऑफ 21 एकर्स। अशोक राव नाम का एक व्यक्ति है, उन्होंने क्या किया, उनकी जो पूरा फील्ड है, उनका पूरा जो जमीन है पूरा खेत, उसमें क्या किया, 2/7 उसमें क्या किया, बनाना लगाया, ठीक है। इसका इसका इतना पर उसका पूरा इतना पर खेत है, पूरा कितना है 21 है, बट इसमें उसमें क्या किया, ओनली 2/7 ओनली इसका क्या करें, बनाना, इतने बार में बनाना लगाया। अब पूछे वो बाकी जो बचा कितना चले, कितना आपको क्या ये एरिया निकालना है, ठीक है, कितना एरिया लगा आपको सिंपली निकालना है, तो इतना आपको ध्यान देना बिल्कुल ईजी है, सिंपल क्या करना, आपको एक चीज़ रखना, क्या करना आपको, होता है ऑफ, जो वर्ड है ये ऑफ है, ओ एफ ऑफ, इसका मतलब क्या होता है, ऑलवेज क्या होता है, मल्टीप्लाई, आपको कहना कि ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑलवेज मल्टीप्लाई, आप कौन से क्लास में आप आगे भी, तो आपको पता क्या होना चाहिए, ऑफ का मतलब क्या है, इनटू मतलब मल्टीप्लाई। तो देखिए सिंपल है, यहाँ पर देखिए हम सॉल्यूशन, तो देखिए उसका एरिया कितना है 2/7, ये फील्ड है उनका। अब मैंने आपको बोला ऑफ हिज फील्ड ऑफ 21, ऑफ का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, तो हम करेंगे मल्टीप्लाई, कितना वो एकड़ जमीन है 21, ठीक है 21 है, तो अभी देखिए 7 1 7, 7 2 14, 7 0 21, एक नंबर नीचे ऊपर है, कैंसिल होने चांस है, यस ये 1 ज़ा और ये 3 ज़ा, तो आपको ऊपर क्या मिला, 2 मिला, इंटू में क्या मिला ये 3, तो 3 2 6, तो इतना उनका ये प्लान में क्या एकड़ जमीन इतना बचा, ठीक है, उन्हें इतना क्या किया, व्हाट इज एरिया ऑफ अ बनाना प्लांटेड, तो 6 यूज्ड 6 एरियाज एकर्स, ठीक है आप ले सकते हैं, यूज 6 एकर्स फॉर प्लांटेशन, ठीक है, उन्होंने एरिया कितना यूज किया 6, तो आपको बस इतना लिखना है, देखिए इजी है, 2/7 हमने लिखा, अब ऑफ का मतलब क्या मल्टीप्लाई, आपको ऑलवेज क्या ऑफ का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई करना है, 21 एकर्स से, तो 7 1 7 3 2 3 6, अब कॉन्सेप्ट मिल गया। ये क्वेश्चन में थर्ड जो कि लास्ट सब है प्रैक्टिस सेट 12 का, ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स इन आर आर्मी, मैं जितने भी आपके अपने आर्मी में सोल्जर्स है उसमें क्या किए, 4/9 आर पोस्टेड ऑन द नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, जितने उसमें जो 4/9 है मतलब कुछ अमाउंट का 4/9 पार्ट होगा कि नॉर्थ ईस्ट में है मतलब वहाँ पर, और बाकी क्या, एंड 1/3 ऑफ देम ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर। अब देखिए 1/3 का मतलब क्या, 1/3 मतलब आपका 1/3,
वन थर्ड, तो वन अपॉन थ्री, ये कहां पे, ये नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ सोल्जर्स इन द नॉर्थ ईस्ट 5,40,000, हाउ मैनी आर पोस्टेड इन द नॉर्थ ईस्ट, मतलब आपको जो नॉर्थ में सोल्जर में आपको टोटल नंबर कितना है, इतना टोटल नंबर है, तो उसमें से नॉर्थ ईस्ट में कितना आपको मालूम करना है। तो सिंपल है, देखिए द टोटल नंबर ऑफ ऑफ में मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई आ गया सोल्जर्स इन द नॉर्थ ईस्ट कितना है 5,40,000, सिंपल इंटू करो आपके इंटू करके 5,40,000, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये अपना क्या है सॉल्यूशन है, सिंपल है। देखिए अब आपको आता थ्री टेबल, थ्री वन जा थ्री। अब मैंने 5 था तो मैंने 3 लिया, मतलब यहाँ पर 2 बच गया ना, तो मैं 2 उसको दे दूंगा, तो ये क्या 24 बन गया। देखिए मैं 3 का टेबल, 3 वन जा थ्री। अब मैं 3 लिया, 5 था मैंने 3 लिया, मतलब 2 बचा है ना, 2 उसको देंगे, तो 3 8 जा 24, तो 8 बच गया, ठीक है। तो आपको मिला कितना फाइनल 1 8, साथ में 4 0, तो ये क्या हो गया आपको नॉर्थ ईस्ट में कितने आपको मालूम पड़ गया। तो देखिए आपको कितना मिला, आपको 1,80,000 सोल्जर्स कहाँ पर है, तो आप यू कैन राइट हियर 1,80,000 सोल्जर्स आर पोस्टेड इन द नॉर्थ एंड ईस्टर्न, इन नॉर्थ ईस्ट पार्ट, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। तो देखिए आपका ये फाइनल से इतना, ठीक है, ये आपके मतलब लिखो तो भी ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आपका मेन आंसर ही आ गया। तो देखिए हमने प्रैक्टिस 12 कंप्लीट कर चुके हैं, अगर आपको उसमें कुछ भी डाउट्स है तो मुझे कमेंट करके बताओ। थैंक यू सो मच।